ओम शांति। सबसे पहले है मन का आराम। तन का आराम तो दुनिया में भी मिलता है, लेकिन तन का भी आराम हो, मन का भी आराम हो तो जीवन कैसे लगती है। सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान सारे कल्प में अगर देखा जाए तो कौन है क्या कहेंगे, कौन है? हरे कहेगा हम बाबा के बच्चे ही सारे कल्प में सबसे ज्यादा भाग्यवान। क्यों? दुनिया में भी भाग्य प्राप्त होता है तो दुनिया में भी कहते हैं स्वयं भी खुश हो, सुखी हो और परिवार भी सुखी हो। जो भी दुनिया में हंगामे होते हैं वो शांत हो, उसको कहते हैं भाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे लिए क्या है अभी, चाहे दुनिया में कितना भी हंगामा होता रहे लेकिन बाबा ने हमें हंगामे के बीच में भी न्यारे और प्यारे बनने का पाठ पढ़ा लिया। हमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा कमल के पुष्प का दृष्टांत देते हैं, ऐसे हम भी रूहानी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहते। तो है ऐसी लाइफ क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की आज संगम युग है और हम सबको पता है कि हमारा ये अंतम जन्म है। इस अंतम जन्म में ही हमको अपने सारे कल्प की प्रलब्ध बनानी। तो संगम युग का बहुत महत्व, और संगम युग में भी अभी आप यहां सेवा में मधुबन में आए हो तो इन थोड़े से दिनों का और भी महत्व ज्यादा है। वहां तो फिर भी वायुमंडल को अपने ताकत से प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन यहां तो देखो आपको वायुमंडल कितना बढ़िया है। वायुमंडल में कोई अशांति है क्या? सभी योगी आत्माएं रहती हैं और बाप दादा की धरनी है, तो इस धरनी का कितना महत्व है। जितने भी आपको दिन मिले हैं, चाहे 5 दिन हो, 4 दिन हो, कितने भी हो, लेकिन ये नहीं समझना ये 4 दिन है। संगम युग के 4 दिन 4 वर्षों के बराबर है, क्योंकि छोटा सा युग है और बहुत महान है। इस थोड़े समय में हमको बहुत कुछ जमा करना है। तो जब तक यहाँ है इस वातावरण में तो ये बहुत ध्यान रखना। तो हमारा संकल्प और समय दो चीज है ज्यादा। संकल्प भी व्यर्थ नहीं जावे,
और समय भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि वायुमंडल की मदद है। यहाँ बाप दादा की विशेष छत्र चाहिए, संग अच्छा है और कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहां तो प्रवृत्ति में रहते हैं तो जिम्मेवारियां होती है, अभी ये करना है, अभी ये जाना है, अभी ये करना है, जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ क्या जिम्मेवारी है? यहाँ एक ही जिम्मेवारी है, याद में रह के काम भी करना है और याद में रह के पढ़ाई पढ़ना है, याद का वातावरण फैलाना है। ये एक ही काम है ना यहाँ तो बहुत अटेंशन रखना इन 4, 5, 15 जितने भी दिन है, इसमें बहुत बहुत अपनी कमाई जमा करके जानी। जैसे बिजनेस वाले या जो भी काम करते हैं ना, उनकी सीजन होती है कमाई की, कहते हैं बहन जी हम बहुत बिजी है, हमारी तो अभी सीजन है, कमाई की सीजन का समय ही अभी है। कितना ध्यान रखते है। और वो कमाई क्या है? हमारी तो 21 जन्म राजभाग्य है और फिर द्वापर से लेके हम पूज्य बनेंगे, हमारे ही मंदिर बनेंगे। इतनी कमाई जमा करनी है, कमाई तो व्यर्थ नहीं जाए। इतना ध्यान रखेंगे ना समय पर, संकल्प पर, तो आपकी कमाई जमा की बहुत खुशी होगी। थोड़ा भी कुछ अपने हाथ में जमा होता है तो खुशी तो होती है ना। और ये तो क्या है, तो हम सभी को यही कहते हैं, बस जो और कुछ भी नहीं याद आवे ना, दो शब्द जरूर याद करो, भगवान और भाग्य। देने वाला भगवान और उसने क्या दिया? भाग्य बना दिया, श्रेष्ठ भाग्य। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इसी खुशी में, इसी मौज में रहे। ओम शांति। एक दो को लेके आए हाँ, कितना बड़ा भाग्य है हाँ, जो कभी आप लोगों के पास एक दादी भी नहीं आती, अभी 1, 2, 3 हाँ। अच्छा रतनमिन दादी भी बैठी है, वो भी बड़ी दादी, 5 भारत की नंदिया मशहूर शांतामणि दादी हाँ। कितना मधुबन में भाग्य है, भाग्य है ना ये भी हाँ। तो दादी ने क्या बताया, भगवान और भाग्य है, और क्या बोलेंगे? भगवान हमारा साथी है, भाग्य हमारे हाथों में है। तो भगवान साथी बन गया, भाग्य हमारे हाथों में आ गया, तो वह क्या हुआ? पद्मा पदम भाग्यशाली। दादी आजकल हम कहां जाते हैं ना, जनेवा गई थी, तो सब लोगों को पता है दादियों को क्या अच्छा लगता है, और कोई तो हमको बोले एक सीन तुमको दिखाएंगे। क्या दिखाया? लोटस फ्लावर्स का इतना बड़ा सुंदर पॉन्ड था, इतना सुंदर, तो उसमें जो पवन निकलता है ना, उनको उसका ज्ञान ही नहीं था, उनको सिर्फ लोटस का महत्व का पता है। तो कहा घड़ी घड़ी आप लोटस लोटस बोलते हो ना, हम आपको रोज गार्डन तो देखा है कई बार, पर लोटस का बड़ा सुंदर देखा। तो बाबा ऐसा गार्डन देखता है यहाँ, ये सब आजकल क्या है, सब कमल फूल समान रहने के लिए कलम लगा रहे हैं। अभी सेवा टीच 1 या टीच 10 की तो बड़ा लंबी है, क्या सीखेंगे जब तक सीखे बदल जाए,
परंतु लोटस फ्लावर का तो ऐसे एक दो को पता नहीं कैसे वृद्धि होती है उनकी। तब तो मैंने पूछा, लोटस वाले लोटस बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? रचना भी है उसकी, अच्छी काम की रचना है। रचना होते हुए भी वो खुद रचता भी है, परंतु तो ऐसा है न्यारा जैसे कुछ है। न्यारेपन का जो सुख है ना, दादी ने कहा ना, भाग्य और भगवान किसको याद होगा, जो न्यारा बनने जानते हैं, न्यारा बन करके भाग्य बनाते हैं और भगवान का प्यार बना लेकर के कलम लगाते हैं, देखते ना ये सब। दादी आजकल जहां भी जाओ दादी, आपको क्या मिलता है? बॉम्बे में क्या मिला होगा? यही कमल फूल समान। इसलिए बाबा को आगे कहते थे, भाई नहीं चलो घर छोड़ना है, ये बीके बनने के लिए ये करना, अभी कुछ नहीं करने का है। तो मेरे आज क्वेश्चन पूछा किसी ने, फिर देखना, तो बाबा ने कहा था 108 में माला में आओ। हाँ सभी को फिक्र है ना, मुझे 108 में आना है, आना है सभी को, आना है 108 में आना है ना। तो एक युक्ति बता देती हूँ, 3 दिन है, बाबा के सामने ऐसे बैठेंगे, ऐसे रहेंगे, प्रैक्टिकली लगेगा मैं वैजंती माला में हूँ, वैजंती माला में हूँ। कभी हार कभी जीत पाठ पूरा हो गया, जो दादी ने कहा संगम युग का एक दिन एक बरस के बराबर है, बड़ा महत्व पूर्वक है, छोटा सा है। तो विजय माला में आने के लिए एक सिंपल युक्ति, एक बाबा को याद करना। बाबा को याद किया तो क्या होता है, बिंदी लग जाती है, सेकंड में लगानी नहीं पड़ती है, क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। सर्वशक्तिवान बाबा की याद है, एक बाबा की याद है, बिंदी लग गई, अष्ट शक्तियां हमारे में साथ देने में मददगार हो गई। शक्तियों को बुलाना नहीं पड़ता है, बुलाओ एक को आए दूसरी, ना ना जिसको जरूरत है सामने हाथ हो जाए। तो 108 में ये 3 दिन जो है ना रिहर्सल करेंगे, लगेगा कैसे बाबा ने हमको 108 में आने के लिए सहज विधि सिखाई है। सहज है बिल्कुल, क्यों? मधुबन में एक तो वातावरण बहुत पावरफुल, दूसरा पढ़ाई मिलती है बहुत अच्छी, एक क्लास दूसरा क्लास तीसरा क्लास चौथा क्लास, सुनते चलो सुनते चलो, डायरिया भरने के लिए नहीं, कितनी पावरफुल बातें मिल जाती है। तो बुद्धि अच्छा काम करती है ना, और चांस भी है, बेफिक्र है, न खाने बनाने का है, सब सहयोगी बनने का है, जितना हाथ से काम का न हो फिक्र नहीं है, प्रेम से याद में खाना है, याद में सेवा करनी है। तो ये मधुबन में जैसे ऑटोमेटिक ये रिहर्सल जो है ना बहुत फायदे वाली है, और चारों ओर सब लगते हैं, हम एक पुरुषार्थी नहीं, मेरे से बहुत अच्छे 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 अच्छे, तो बड़ी खुशी होती है पुरुषार्थ करने में। पुरुषार्थ है खुशी से, और पुरुषार्थ से प्राप्ति है खुशी, ऐसे है ना। पुरुषार्थ खुशी से करते हैं, पुरुषार्थ से प्राप्ति क्या है, खुशी। तो ये मधुबन में पुरुषार्थ थी माना, ऐसे नहीं मेहनती, पुरुषार्थ थी माना खुशी, और खुशी से पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की खुशी मिले, फिर माला में आ जाएंगे। बड़ी बात हो रही, बाबा के गले में चले, माला में क्या करने का है, गोद में बैठे हैं, वैजंती माला में आकर के गले माला बन जाएंगे। ओके थैंक यू, ओम शांति।